नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में। तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बयान दिया था कि इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान कोविड पैंडेमिक के चलते जो भी रैलीज एवं मीटिंग की जा रही है उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। तो इन रेस्ट्रिक्शंस को ये उम्मीदवार चुनाव के सख्ती से पालन कर सके तथा वो सावधानियां बरत सके, इसके चलते इसलिए इसके मद्देनज़र उन्हें अपने इलेक्शन कैंपेन में कुछ अधिक एक्सपेंडिचर में छूट देनी चाहिए। तो इसे देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस ने 10% इंक्रीज किया है इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे। फिर जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का रूल 19 कुछ प्रेस्क्राइब करता है कि कैंडिडेट्स उनके टोटल एक्सपेंडिचर को एक मैक्सिमम लिमिट से द्वारा खर्च नहीं कर सकते, और ये मैक्सिमम लिमिट के जो रूल्स है इसे हमेशा लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव किया जाना होता है। अब एक्सपेंडिचर पे जो भी अपर सीलिंग है वह स्टेट और पार्लियामेंट इलेक्शंस के हिसाब से राज्य स्टेट बाय स्टेट डिफर करती है। फिर इसके अलावा एक लिमिट होती है हर एक चीज़ पे, जैसे कि आपने प्रिंट में क्या खर्चा किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एडवर्टाइजमेंट में खर्चा क्या किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत सोशल मीडिया अकाउंट और पब्लिक मीटिंग में क्या खर्चे किए। लेकिन इसका एक ये बहुत बड़ा लूप होल है कि जो एक कैंडिडेट है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट है, उसके ऊपर तो हम ये मैक्सिमम लिमिट लगाते हैं कि वे इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन वो खुद पॉलिटिकल पार्टी है उसके ऊपर हम ये लिमिट नहीं लगाते। तो इसके चलते आज भारत के इलेक्शन दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शंस में एक होते हैं। तो 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें लगभग 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। तथा आप अगर यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखेंगे तो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो खर्च आता है वो हमारे एक राज्य में चुनाव कराने के बराबर होता है। अब फिर हमने जैसा देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस ने 10% का इजाफा किया है, तो उसे देखते हुए आज के डेट में लोकसभा में के इलेक्शन के उम्मीदवार को 70 लाख से बढ़ाकर 77 लाख रुपए के एक्सपेंडिचर सीलिंग बढ़ाई गई है। फिर इसके अलावा जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, जो कि राज्यों के इलेक्शन होते हैं, तो उनकी सीलिंग को बढ़ाकर 28 लाख से 30.8 लाख कर दिया गया है। तो ये जो नया रूल है ये तब तक लागू होंगे जब तक कि इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डीनोटिफाई ना कर दिया जाए। फिर इसके अलावा जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें अपने सारे इलेक्शन के ट्रांजैक्शन और उनके पेमेंट्स, फिर जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें चेक के द्वारा आदान प्रदान करने के लिए एक बैंक अकाउंट का होना जरूरी होता है। तथा जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके 30 दिन के बाद के 30 दिन के भीतर कैंडिडेट्स को वो इलेक्शन का स्टेटमेंट सबमिट करना होता है इलेक्शन कमीशन को। फिर इलेक्शन कमीशन उसे आगे चल के वेरीफाई करता है, और अगर वो उसमें कोई गलती पाता है कि अकाउंट में कुछ गड़बड़ी है या फिर जो एक्सपेंडिचर है वो सीलिंग से ज़्यादा हो गया, जैसे 77 या फिर 30.8 से ज़्यादा, तो उस केस में इन उम्मीदवारों को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है 3 वर्षों तक आने वाले इलेक्शंस पे। तो आज के लिए इतना ही, ये था इलेक्शन एक्सपेंडिचर। और हम आने वाले वीडियो में जानेंगे कि ये इतना ज़्यादा भारत के जो इलेक्शंस है इतने महंगे क्यों हो गए और इनकी क्या वजह है तथा इनके क्या सुझाव है, क्या किया जाना चाहिए इन इलेक्शन कैंपेन्स के एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।